बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सन 1976 में आई फिल्म मृग्य के जरिए एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड्स के खिताब से भी नवाजा गया था। एक दशक तक मिथुन ने बॉलीवुड में किसी को भी अपने आस पास तक नहीं आने दिया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मिथुन दा ने 1980 में कितनी फिल्में की थी और वो फिल्में कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 में 10 फिल्में की थी। 1980 की जो पहली फिल्म थी वो है टैक्सी चोर, उसके बाद आई थी द नक्सलाइट्स, फिर आई ख्वाब, उसके बाद आई कस्तूरी, फिर आई आखिरी इंसाफ, उसके बाद आया सितारा, फिर 1920, फिर पपीता, उसके बाद किस्मत, और उसके बाद 1980 की लास्ट फिल्म थी हम पांच। तो आपको इन 10 फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी थी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।